गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर जागृति के जानी मैम, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने टू केसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। दोनों ही केसेस बहुत बढ़िया हैं और बहुत हमें इस मेडिसिन के बारे में, इन दो केसेस के जरिए इस मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया केस हैं और बहुत ही डिटेल में मैम ने शेयर किए हैं। तो ये उनका पहला बीसी है। सबसे पहले तो मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सर। जी वेलकम मैम। तो आज की बीसी हम स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू मैम। आप एक बार थोड़ा केसेस के बारे में बता दीजिए, फिर हम हमारे ग्रुप मेंबर्स का और एनालिसिस ले लेंगे। और हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर MB महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आसमा समधानी मैम और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओवर टू यू मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द IHF मेंटर, रिस्पेक्टेड जयसवाल सर, दिलीप जानी सर, प्रवीण कुमार सर एंड आसमा समदानी मैम, महाडिक सर, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे ये चांस दिया है आज बोलने का। तो हम लोग ये केस की शुरुआत करते हैं। तो ये बच्चा जो है वो एक्चुअली उसकी छोटी बहन मेरे से दवाई ले रही थी, तो ये बच्चा उसके साथ आता था। तो आई हैव सीन दिस चाइल्ड 2 to 3 times बिफोर प्रिस्क्राइबिंग फॉर हिम। और वो फर्स्ट टाइम जब ही आया तो मैंने देखा कि ये बच्चा ना एकदम ही कूल था। मतलब जनरली बच्चे डरते हैं ना डॉक्टर की कैबिन में आके, लेकिन ये तो आराम से आया और बैठ गया। जैसे मुझे लगा कि अरे बढ़िया है ये तो। अभी और उसकी छोटी बहन है, उसको ब्रोंकियल अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम था, तो वो शी वॉज इन द वीजिंग मोड। हाँ, और ये बच्चा शांति से बैठ जाता था, आके सीधा चेयर पे बैठ जाता था। तो अभी आई रीड द केस। तो ही इज अ 3 years old बॉय एंड ही स्टेज विद हिज फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर। तो दे आर बेसिकली मारवाड़ी, ही इज मारवाड़ी एंड फ्रॉम अ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। द फैमिली हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू मुंबई फ्रॉम राजस्थान। तो दे स्टे इन अ रेंटेड रूम इन अ चॉल इन अ सबर्ब इन मुंबई। तो ये चाली में रहते हैं, चॉल में रहते हैं। तो पूरा दिन ना ऐसा होता है कि बच्चे बाहर ही खेलते हैं। और इन लोग की उसकी मम्मी ना इतनी उसकी मम्मी को है ना मैंने इग्नेशिया दिया था, लाइक मोनोमेनिया रूब्रिक लेके। लाइक वो सुबह से शाम तक ना वो उनकी जो बैंगल्स बनानी होती है ना, फादर वॉज इन टू आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस, तो वो घर पे ना बैंगल्स लेके आता था एंड द मदर यूज टू डेकोरेट इट। तो बोली कि मैं सुबह से लेकर रात तक ना वो ही काम करती रहती हूँ। तो और बच्चे ना बाहर खेलते रहते थे, तो ऐसा था। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोअप्स ऑफ द सिस्टर, आफ्टर हर मेडिसिन वर गिवन, इसके पापा ने मुझे पूछा कि आपके पास दवाई है क्या जिससे बच्चे की एपेटाइट बढ़े। तो मैंने हाँ बोला। तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे के लिए चाहिए मुझे, कि वो पूरे दिन में ना एक ही चपाती खाता है। और उसकी मम्मी ने बोला कि मैं उसको कितना भी बोलू, कितना भी प्यार से बोलू, कितना भी फोर्स करूँ या कितना भी उसको भी मारू, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये सब बातें हमारी चलती थी ना, तभी बच्चे ने क्या किया, वो एग्जामिनेशन टेबल पे चढ़ गया और वहां से ना जो छोटा टेबल होता है ना जिसके ऊपर चढ़ के हम लोग एग्जामिनेशन टेबल पे जाते हैं, उसके ऊपर वो सीधा कूदा। तो उसकी मम्मी ने ना सीधा उसको ना लिप्स के ऊपर मारा ऐसे। तो ये तो पेनफुल होता है ना, तो मेरे मुंह से ना जैसे एक निकल गया आवाज की, अरे यू नो मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया कि बच्चे को कितना लगा होगा। लेकिन और मुझे ऐसा लगा कि मम्मी के लिए ना ये रिफ्लेक्स एक्शन था दहाड़ करके बच्चे को मारने का। तो उसके पापा ने देखा मेरा एक्सप्रेशन चेंज होते हुए, तो उसके पापा ने बोला डॉक्टर आप चिंता मत करो, ये बच्चा ना मार के आदीन है, हम लोग उसको कितना भी मारेंगे ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चा ना थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और चेयर पे बैठ गया। लेकिन फिर बाद में ना
मम्मी और ये सब बोल रही थी ना, कि मम्मी बोल रही थी कि ये इतना शैतान इतना शैतान बच्चा है कि कभी कभी मैं उसको मारती हूँ ना तो मेरा हाथ भी दर्द होता है, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर है ना थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा तो बच्चा वापस खड़ा होके ना रूम में घूम रहा है, और जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है। और अगेन उसके मुंह पे एक अच्छा सा प्यारा सा स्माइल था, ठीक है। फिर एक मिनट का उसके बाद में अच्छा, फिर मैंने पूछा कि ये आपकी बेटी इतनी बीमार होती है, उसको अस्थमा है, तो वो शी इज लिटरली वीजिंग, तभी ये बच्चा क्या करता है? तो उसकी माँ ने बोला कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको पता भी नहीं चलता है, मतलब अपनी ही दुनिया में होता है, और इसको कुछ भी चाहिए ना, पानी चाहिए या कुछ बोलती है ना, तो भी ये उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं होता है, कभी उसको कुछ देता भी नहीं है लाके। लेकिन जब भी ये सब बच्चे लोग बाहर खेल रहे होते हैं ना, तो ये है ना उल्टा, अगर कोई और बच्चे अपनी उसकी छोटी बहन को मारते हैं या कुछ चिल्लाते हैं ना, तो ये बंदा भी उसको मारने लगता है। और तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज। देन ही डिमांड्स फॉर द टॉयज, उसको नए नए खिलौने का खेलना बहुत पसंद है। तो ये क्या करता है कि माँ बाप मम्मी पापा उसको नया खिलौना लाके देते हैं, तो तुरंत ही तुरंत वो तोड़ भी देता है, और फिर जो ब्रोकन पीसेस हैं वो उसको संभाल के रखता है, और उसकी बहन को भी नहीं बोलता है, नहीं तेरे को इसको छूने का ही नहीं, वो उसके ही है सिर्फ। और उसके पिताजी ने ना एक इंसिडेंस नरेट किया कि वो चाली के बाहर ना कपड़े टंगे हुए थे, मतलब तो उसमें से एक कपड़ा नीचे गिर गया दूसरे की रूफ पे, तो पापा ने सोचा कि चलो मैं निकालता हूँ, लेकिन फिर पापा ने देखा कि अरे ये ना बहुत ही रिस्की हो जाए, तो फिर ही डिसाइडेड कि हम लोग ये कपड़ा नीचे कंपाउंड में डाल देते हैं, फिर वहां से लेके आएंगे। तो वो अंदर गए वो लकड़ी लाने के लिए, लेकिन ये बच्चा तभी अकेला ही था, तो इसने क्या किया, वो रूफ के ऊपर कूदा, वो कपड़ा उसने पिकअप किया और वापस ऊपर चढ़ के जाके अपने पापा को ये कपड़ा दे दिया। तो द फादर वॉज वेरी मच सरप्राइज, फिर उसने पूछा कि अरे आपने ऐसा कैसे किया? तो उसने बताया कि वो कैसे, एक एक स्टेप उसने बताया कि वो कैसे नीचे उतरा एंड हाउ ही डिड इट। तो एंड व्हाइल फादर वाज नरेटिंग ऑल दिस थिंग्स ना, द चाइल्ड वाज ही वाज बिजी विथ हिज यू नो टेबल से, यहाँ पे छोटे टेबल पे, और ये कूदना घूमना फिरना ये सब चालू ही था उसका। तो और मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया था ये बच्चे के मुंह पे ना हमेशा स्माइल रहता था। तो ये केस है, अभी उसका पोथोलॉजी में बाद में बताऊंगी, अभी अच्छा मैं बता ही देती हूँ अभी कि पहले मैंने ना ये रेमेडी के 3 डोजेस दिए 30 पोटेंसी में, और फिर देन ही वाज बेटर इट सीम्ड। तो ये लोग 3 महीने के बाद में आए, और फिर और वो भी बच्ची की दवाई के लिए आए, तभी मैंने पूछा तो बोला कि नहीं अभी वो अच्छा खा पी लेता है, और उसके बाद में उसको एक बार सर्दी खांसी हुआ था, तो ये मैंने रिपीट किया था। तो आई कॉल्ड अप द फादर टू आस्क अबाउट हिम, एंड ही सेड ही ईट्स वेल नाउ एंड हिज मस्ती इज लेस एंड जस्ट लाइक अ चाइल्ड डज, उसकी मस्ती इतनी है कि लाइक अ चाइल्ड डज एट हिज एज, एंड ऑल्सो ही एडेड द चाइल्ड इज नॉट बिटन दैट फ्रीक्वेंटली एज बिफोर। ओके, तो आई होप बराबर सुनाई दिया सबको। हेलो, जी मैम, जी अच्छा जी हाँ बिल्कुल, हाँ जी तो मैम, ये फर्स्ट केस है, तो सर अभी सेकंड केस भी मैं अभी बोलूं या बाद में? नहीं, बाद में करते हैं मैम, फिर ओके थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। पहले ओके इसी केस से अभी मैं हमारे रिस्पेक्टेड IHA फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वन बाय वन आप अपना एनालिसिस शेयर कीजिए। जी वंदना मैम, स्वाति देश पांडे मैम, राजेंद्र सर, नीलू मैम, सर, ये मुझे मैंने मतलब मैंने एक्चुअली अभी केस सुना,
इससे पहले मैंने सुना हुआ नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, जस्ट स्टार्ट किया, बीपी हो रही है। तो जो मैम ने नरेट किया उस हिसाब से तो ये मुझे बच्चा बोल्ड और मतलब ये है क्या बोलते हैं, निडर टाइप बच्चा होता है ना, वैसा टाइप है। तो मुझे टेरेंटुला का थोड़ा फील आ रहा है। मैम आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है, लेकिन है ना आप धीरे धीरे जाइए। पहले उसके सब ट्रेट्स बोल्ड हाँ है तो, लेकिन टेरेंटुला को हम लोग बोल्डनेस के हिसाब से तो नहीं पकड़ते ना, हम लोग टेरेंटुला को नहीं कनिंग या नहीं उसका इंटेलिजेंट पकड़ते हैं। कनिंगनेस, हाँ, तो ये कैसा है ना कि ये जो काम करता है ना, मतलब उसका वो उसने उसको पता था कि उसके पापा वो जो आपने इंसिडेंट बताया था ना, हाँ तो उसके हाँ उसको हाँ पता था कि उसके पापा वो लकड़ी लेने गए हैं और वो नीचे करेंगे, इससे पहले कि उसके पापा की डांट पड़े या वो खुद ही सब करके और उसको हाथ में लिया, कि मतलब वो इतना छात्र से उसने बिना आवाज के वो सब काम कर देता है ना, इसके लिए मुझे वो फील आया। और वो मतलब वो आपके क्लिनिक में भी आके वो जिस तरह से आके बैठा, मतलब जिस तरह से, ऐसा नहीं लगा कि वो डॉक्टर के पास आ रहा है, पहली बार आ रहा है, या जो भी उसकी मस्तियां थी, वो जो जो भी उसका बिहेवियर पैटर्न बोले हम, उससे भी मुझे यही फील हुआ। ओके। लेकिन उससे ना आपको हाँ और क्या लगा? एक तो आपको लगा कि ये बिना किसी को भनक भी आए उसने ये काम पूरा कर दिया, हाँ मतलब लेकिन उसको जो इतना करना होता डिफिकल्ट है वो काम उसने करता किया। है, नहीं हाँ उसको जो करना होता है वो करता है, हाँ ओके। और उसका ये मतलब जो मन करता है ना वो करता है। ओके, तो ये इंसिडेंट्स से ना और क्या आपको आप क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं ये इंसिडेंट से? एक तो आपने सही बोला कि उसको जो करना है वो कर लेता है, और हाँ अगर मतलब आप उसको ज्यादा किसी की नहीं सोचेंगे सुननी तो होती है। हाँ हाँ नहीं वही। तो दूसरा अगर, हाँ दूसरा अगर वो अगर कनिंगनेस नहीं है तो फिर मक्सॉल भी हो सकता है, डेंजर नोसिस ऑफ डेंजर में भी जा सकता। वेरी गुड, ओके मैम। अच्छा अभी ये एक फैसेट था, एक इंसिडेंट। हाँ और दूसरा क्या इंसिडेंट आपको, और कुछ रूब्रिक्स लेंगे आप ये केस के बारे में? नहीं रूब्रिक पे तो मैं नहीं पहुंची, मैं तो एक्चुअली मैंने जस्ट अभी आपने जो नैरेट किया हाँ ना आई उतना नो ही आई नो। केस मैंने नहीं आपने सुना बहुत ही है, बढ़िया किया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आपने मतलब अच्छा मैंने केस इससे पिक अप किया। पहले पहले मैंने वो आज मैंने अभी मोबाइल स्टार्ट किया और आपका ही सुना पहले नहीं पर मैंने। आपने बहुत ही बढ़िया रूब्रिक पकाया है। ही इज इनटू डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, वेरी गुड। थैंक यू मैम। मेरा मैम फाल्को प्यांस आ रहा है, ओके फाल्को सर। मेट हाँ, सर आपने नो सेंस, आपने नो से हाँ, दिस डेंजर नो सेंस नो ऑफ सेंस ऑफ डेंजर, डेंजर मैंने लिया था, ओके सर। और तो रूबरू याद नहीं है, मोबाइल में है सर मैडम। लेकिन फाल्को पी में ना डोमिनेशन बहुत होता है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन है ना, उसके और बाद एक में ही मर्क फाल्को मेरी पी। आई थी, एक और मर्क दवा आई थी ऐसे मैं देख रहा था, मर्क अच्छा और फाल्को। ओके ओके, तो मर्क किस हिसाब से आई थी? वो रिपोर्ट राइट कर रहा था उसमें आई थी, दो ही दवा आई थी। अच्छा रूब्रिक आपको अभी याद, लेकिन हाँ डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर है। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। हाँ ये रूब्रिक भी आपने बहुत ही अच्छा उठाया, वेरी गुड। और कोई है? थोड़ा इसमें मैम नहीं। मुझे लगा है कि ये जो बच्चा है इसमें पहले एक तो ये मुझे लगा है डिफरेंट है, ये बोल्डनेस इसमें बहुत ज़्यादा है, फिर डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर है, फिर इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि ये एक जगह पे टिक के नहीं बैठ रहा, तो ये रेस्टलेसनेस है इसमें, वेरी गुड वेरी गुड। फिर हर वक्त जो आप जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया मैम कि वो जो है वो हंसमुख है, बड़ा हंसता है, उसके चेहरे पे स्माइल है, तो ये स्माइलिंग मैंने लिया, तो उस हिसाब से मुझे ये मर्क साल लगा। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस रूब्रिक यू हैव टेकन। और कोई है? हाँ गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी हाँ मैम, मैंने जो ओवरऑल केस में ना जो रेस्टलेसनेस एक तो लिया था कि बच्चा मतलब वो इंसिडेंट जो आपने बोला कि एग्जामिनेशन टेबल पे चढ़ा और फिर थोड़ी देर बैठा जब उसकी मदर ने उसको मारा था, उसके बाद फिर से वो घूमने लगा।
तो वो रेस्टलेसनेस एक रूब्रिक लिया, फिर मैंने कंटेंट लिया था मैम एक रूब्रिक कि आपने बोला कि उसको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, जैसे मदर ने भी मारा तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, पर आपने जो लिखा केस में कि उसको बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा और एक स्माइल थी उसके फेस पे, तो इससे मैंने कंटेंट लिया था। आप ही बताएंगी जो सही रूब्रिक है वो। नहीं, ये कंटेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ आप आगे बढ़िए ना, आप अच्छा जा रहे हैं। और दूसरा लिया था फियरलेस लिया था, जो उसका इंसिडेंस आपने जो फादर वाला बताया था कि कपड़ा जो गिर गया था, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर भी लिया था, और स्माइलिंग ही लिया था एक रूब्रिक ऐसे ही ले लिया था स्माइलिंग, और स्टमक में जाके एपेटाइट डिमिनिस लिया था। तो मेरी ओपियम फाल्कोपी हेरोइनम और एगेरिका सारी थी, ओपियम सारे रूब्रिक कवर कर रही थी। हाँ एक और लिया था मैम स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन, जो उसकी मदर ने बोला ना कि उसको चाहे मारते हैं या कुछ भी करते हैं पर मतलब अच्छे बिहेवियर के लिए करते हैं या खाने के लिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का उसको। और इसी से मैंने शायद कंटेंट भी इसी को रिलेट करते हुए लिया है पूरे केस को ओवरऑल, कि उसको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, कंटेंट ये नहीं है मैम, आपने बाकी के रूब्रिक्स बराबर बताए हैं, लेकिन ये कंटेंट में नहीं है। बंदा कंटेंट वाला बंदा ना अपने आप में खुश होता है, उसके मुंह ओके पे मैम स्माइलिंग है, लेकिन फिर कंटेंट वाला बंदा ना उसके, आप ओवरऑल पिक्चर भी देखेंगे ना, वो उसकी बहन को के लिए उसको कुछ फीलिंग्स ही नहीं है, सॉफ्टनेस ही नहीं है। मतलब ये बेचारी अस्थमेटिक है, वो वीजिंग करती है, उसको पानी चाहिए, लेकिन ये बंदा आके नहीं देगा उसको। और दूसरे बंदे ओके मार रहे हैं तो ये भी उन लोग के साथ जुड़ जाएगा, वो भी अपना हाथ साफ कर लेगा। ओके ओके तो ये है ना मैडम मैम, आपने तो वाला सही बंदा बताया। मैडम रेस्टलेसनेस में नहीं होगा, कंटेंट जो होगा वो रेस्टलेस नहीं होगा। हाँ सही बात है सर। अच्छा गुड या गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून तो आएगा मेरे इंडिफरेंट टू रिप्रेजेंट फॉल, इंडिफरेंट हाँ टू रिप्रेजेंट वेरी फॉल, हाँ हाँ तो आएगा। अरे डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन क्या आएगा, अगर अवारिस अगेरिकस आएगा, अवारिस 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 आपके अहम मार्क्स में होगा, वो मैं लिया था। अवारिस अवारिस एवेराइस क्यों लिया आपने? मिस बिल्कुल नहीं जाओ खेलना। मिस्टीरियस से जरूर आएगा, मिस्टीरियस। ओके एक तो जंपिंग आएगा, स्माइलिंग जंपिंग ये सब रूप तो आएगा जरूर। ठीक है। मेडिसिन प्रोबेबली अडिडेट इन द रिपोर्टेशन कैरेंटिना और भेजेस्ट्रम आएगा। लेकिन ये इंडिफरेंट टू ऑल रेप्रिमांड्स में ना टेरेंटुला नहीं है, हाँ हाँ आपने हाँ वो रूब्रिक लिया ना, तो इसमें ना हाँ हाँ 8 रेमेडीज हैं रडार में, लेकिन टेरेंटुला नहीं है। ओके मार्क है मैडम, मार्क है। हाँ तो हाँ मर्क है। मार्क होगा, मार्क होगा, हाँ कल मार्क होगा। हाँ हाँ ओके ओके वेरी गुड। हाँ वेरी गुड एनालिसिस, आपने अच्छा रूब्रिक ओके ओके पकड़ा, थैंक यू मैम। इंडिफरेंस टू ऑल रेप्रिमांड्स। एनीवन एल्स? नहीं मैम 9.1 में तो कैरेंटिना और भेजेस्ट्रम, ट्यूबरकुलिन और भेजेस्ट्रम है, रेप्रिमेंट्स अच्छा ओके टू ऑल इंडिपेंडेंस टू ट्यूबरकुलिन और भेनेट्रियम है हाँ 9.1 में। वेरिडियम है ठीक है, लेकिन टेरेंटुला है क्या? नहीं ट्यूबरकुलिन है, ट्यूबरकुलिन और भेनेट्रियम है, मार्कफॉल है, हाँ इन ठीक मेडिसिन से बराबर जाएगा ना। हाँ हाँ है। ओके डॉक्टर वैशाली जति इज देयर? हाँ हूँ यहाँ पे। हाँ वैशाली बोल, आपको क्या लगता है? मैंने एक्चुअली बाहर हूँ, मैं बताती हूँ। नहीं अच्छा ओके ठीक है। नहीं बोल सकती हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। आ आ आ ओके। रेसलेस था बच्चा, फिर हाँ तो रेस्टलेसनेस इन उस चिल्ड्रन है रूब्रिक। ओके या वो तो नॉर्मल है, मैंने क्या रूब्रिक्स डाले थे। फिर आई थिंक डिस्ट्रक्टिव तो है ही। हाँ वेरी गुड। हाँ एंड एक वो जो है ना स्माइलिंग इवन आफ्टर
जैसे उसके मारने के बाद भी वो स्माइलिंग है। स्माइलिंग, और वो थ्रू आउट था हर एक हाँ में हाँ ना, सीन में स्माइलिंग। इसीलिए पहले मुझे ट्यूबरकुलम लगा था पहले, पर देन बाद में नहीं है, टैरेंटुला पे आ गए थे। एंड उसको वो है, ही इज इंडिफरेंट टू ऑल दिस, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ मारो करो, वो अपने उसमें रहता है। yes. हाँ, एंड मैंने रूब्रिक्स क्या डाले थे मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा ग्रुप में। अच्छा देखो, अभी है ना टेरेंटुला में स्माइलिंग, स्माइलिंग रूब्रिक में टेरेंटुला नहीं है हाँ, रडार हाँ में। हाँ वो नहीं लिया था मैंने। एंड और एक जैसे उसने बोला ना कि उसके सिस्टर के लिए उसको ऐसी फीलिंग नहीं है, बट अगर कहीं बाहर लड़ाई होती है तो वो भी मारने लग जाता है। एंड दैट वाज देयर, एंड टॉयज ब्रेक करता है, सो वो डिस्ट्रक्टिव है उसके अंदर। यस, मेन मेन थीम वाज डिस्ट्रक्टिवनेस एंड रेस्टलेसनेस ओके, एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनी पनिशमेंट्स और एनीथिंग, तो तो इनडिफरेंस जो टू टेरेंट्यूला रेप्रिमेंड्स है मतलब। ना, टेरेंट्यूला में ये नॉट अफेक्टेड बाय पनिशमेंट वाला पहलू ही नहीं है। ओ ओके, ओके टेरेंट्यूला ओके हम लोग जनरली कनिंगनेस, या मैनिपुलेशन, डिसीट के लिए जाने जाती है ना, वो रेमेडी मैनिपुलेशन ओके के लिए। डांसिंग है, एक्सेसिव एनर्जी है टेरेंट्यूला में, जो डांसिंग इसमें भी था, रेस्टलेसनेस में भी रेस्टलेस। यस लेकिन बाकी का पहलू ना, जो डिस्ट्रक्टिवनेस और इतना नो सेंस ऑफ डेंजर, लाइक यू नो वेरी बोल्ड हाँ नो डिफाइंट, सेंस ऑफ डेंजर यस वो या टेरेंट्यूला में नहीं है। डिफाइंट तो दैट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ठीक है, ओके ओके नाइस केस, बट थैंक गुड यू अटेम्प्ट, वेरी नाइस, वेरी या गुड। थैंक यू। तो सर ये फर्स्ट केस काफी लोगों ने, मैम पता है तो वेरिट्रम होगा, पता है मैम वेरिट्रम होगा समझ प्रॉब्ली। नहीं वेरेट्रम कैसे, वेरेट्रम में क्या है मेन, हम लोग क्या लेते हैं, डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन लेते हैं ना, मतलब वेरेट्रम। हाँ हाँ तो ये वेरेट्रम, और वेरेट्रम इतना डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में वेरेट्रम कैसे होगा, एक मिनट मैं देखती हूँ। हाँ वेरेट्रम नहीं है डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में वेरेट्रम इतना सब कुछ नहीं करेगा, ऊपर के उतर के ये सब करने का। और रादर वेरेट्रम बंदा एकदम पॉलिश्ड बंदा भी होता है ना, सब लोगों के सामने उनका एक चेहरा है, यू नो हार्ड फॉर सुपीरियर, हाँ वो तो प्रिंस प्रिंस है मैम, वो प्रिंस। तो प्रिंस ऐसा काम नहीं करेगा, प्रिंस तो है ना। हाँ तो ये वेरेट्रम नहीं है। हाँ सर, लेकिन आप अच्छे ट्रैक पे हैं। अच्छा कोई और बोलना चाहेगा, और शैल वी मूव टू केस टू सर। जी मैम आप डिस्क्लोज कर दीजिए फिर कर दूँ, सेकंड केस ओके। की तरफ चलते हैं। जी तो ये है ना, एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब लोग ने सही बोला, ये मर्कसॉल है। एंड डॉक्टर नाजिमा इज द फर्स्ट पर्सन टू क्रैक इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। ये डॉक्टर वंदना ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये निकाला, और बाकी सब ने भी बहुत अच्छे रूब्रिक लिए हैं इसके। तो मैंने है ना शुरुआत में वो आया था, तो मैंने उसका डिस्ट्रक्टिवनेस एक लिया था, दूसरा स्माइलिंग लिया था, तीसरा मैंने उसका सेल्फिशनेस लिया था, कि वो अपनी छोटी बहन के ऊपर, उसको एक्चुअली सेल्फिशनेस तभी, लेकिन तभी मैंने ये रूब्रिक लिया था कि वो कुछ उसको खेलने के लिए देता नहीं है बच्ची को। और ये सब में ना आई केम टू सम 3-4 रेमेडीज, और फिर उसमें से मैंने देखा कि ये दूसरी रेमेडी से बेलाडोना एंड वेरेट्रम, तो वो रूल आउट करके ये मैंने मर्कसॉल दिया था। और फिर रिट्रोस्पेक्टिवली ये दो रूब्रिक लिए थे, कि डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, एंड इनडिफरेंस टू ऑल रेप्रीमांड। ओके, और मर्कसॉल के बारे में ना मैंने ये मेरे टीचर से सीखा है, कि मर्कसॉल वाले बंदे ना उन लोग के लिए ये ना बहुत ही आसान होता है, कि खाना अगर एडल्ट है कोई बंदा, और इफ दे आर अपसेट, तो उन लोग का ना फर्स्ट रिएक्शन होता है कि वो लोग खाना छोड़ देते हैं। मतलब अगर हमारे पास टाइम परमिट करता है ना, तो आई विल प्रेजेंट अ थर्ड केस, जिसमें ये पहलू बहुत ही उभर के आता है, कि वो 1 महीने तक ना सिर्फ लिक्विड पे ही था, वो गुस्सा हो गया कोई बात को लेके, एंड फॉर 1 month ही वॉज ओनली ऑन लिक्विड। कितने उसको मनाए घर के लोग, लेकिन नहीं। तो ये मर्कसॉल का ना ये पहलू, आप जरा एक टिप याद रखना, कि कोई कोई बंदे ना खाना पीना छोड़ देते हैं ना, एंड दे कैन स्टे विदाउट फूड, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर।
Now we'll go to the case number 2. Okay, anybody has any query in this so far? मैम इधर बताइए ना, आप क्यों खाना छोड़ दिया एक महीना? ये तो थर्ड केस है जो मैंने अभी प्रेजेंट नहीं किया है. ही वाज अपसेट विद समथिंग, उसके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ तो उसने बोला कि अभी मुझे नहीं खाना है, यू नो दैट वाज हिज प्रोटेस्ट. अच्छा, तो ये मर्क्सोल का ये पहलू भी है कि दे स्टॉप हैविंग फूड एंड दे कैन गो विदाउट इट, नो प्रॉब्लम. फ्लिक्स है मैम इसके लिए? क्या क्या मैम, मैंने सुना नहीं आपका. वो खाना छोड़ देता है ना, इसके इसके लिए रूब्रिक्स है क्या कौन सा? ओ वो तो मुझे अभी मालूम नहीं है, मिलेगा फाइल. जी सभी वर्जन पे रूब्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो मेन हमें क्रक्स जो रहता है वो समझना रहता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है. जी मैम, जो इसे आप मर्क सॉल की सीटी क्यों कर सकते हैं, अगर आपको डाउट आ रहा है मर्क सॉल का तो इसको गुस्सा आया तो ये खाना पीना छोड़ देता है क्या? ये बच्चे में आप कंफर्म कर सकते हो, इसको रूब्रिक में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो. हर आपका आपका आवाज चला गया सर. मेरा मैंने तो बोल दिया ना, मेरा जितना बोलना था. अब मैम को कंटिन्यू करने दो, मैम कहीं नहीं आवाज आ रहे. एक रूब्रिक है सुसाइडल डिस्पोजिशन बाय स्टार्विंग, उसमें मर्क और नेटर में दो ही है. ओके गुड, ओके थैंक यू सर. ओके सर, तो अभी हम लोग सेकंड केस की ओर जाते हैं. और ये केस है ना, दिस केस इज ऑफ अ 31 ईयर ओल्ड फीमेल, 30 इयर्स ओल्ड गुजराती फीमेल हु इज स्टेइंग विद हर हस्बैंड, फादर इन लॉ हु इज रिटायर्ड एंड यंगर अनमैरिड ब्रदर इन लॉ उसके देवर. एंड शी कंसल्टेड मी इन जनवरी 2018. एट दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट विद सेकंड मंथ ऑफ एमेनोरिया एंड इट वाज एन आईवीएफ प्रेगनेंसी. सो द And she was married since 4-5 years. So it was a very precious baby. और उसको PCOD का problem था since puberty. लेकिन उसने ना कभी कुछ किया ही नहीं था. आते थे कभी period, नहीं आते थे, तो उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया था तभी. And now जैसे ही उसका pregnancy test confirm हुआ तो from the very next day she started having urticarial eruptions all over the body. और since 15 days she was suffering from it and along with that she was having acidity, constipation aur usko bhook nahi lagti thi. And ever since then usko na itna itching hota tha aur itna discomfort hota tha ki wo boli ki pregnancy to declare ho gaya hai to I should have been happy, no? Lekin I am not able to enjoy my pregnancy. And PCOD tha to I usne bahut kuch kiya lekin kuch nahi theek hua, to IVF was again last for the last sought after treatment. Now in spite of taking antihistaminic her urticarial rashes increased and they were more at night, and she also developed sour taste in the mouth, so she used to visit her obstetrician very often. And finally after 15 days he said that I can't give you so high doses of antihistamines for so long, so you better take homeopathy. So since the family was known to me, they decided to see me. Now she got married 4 years back. Her mother-in-law passed away after a very short illness, just 6 months after her marriage. And her father-in-law, her husband and her brother-in-law, they are in the same family business. Now she is the only female in the house. And actually she had also consulted me 3 years back for PCOD only. And at that time also she was anxious to conceive. But she discontinued the treatment just within 2 to 3 months of taking the medicine as per her mom's advice. And she switched to allopathic line of treatment. Now due to urticaria, she is advised a lot of dietary restrictions. For example, she has to avoid tomatoes, sour food, green chilies, etc. But her hubby added that she still has it whenever she feels like. While he was saying so, she argued that she can't gulp down the food otherwise.
एज इफ यू नो शी इज जस्टिफाइंग द एक्शंस कि ये तो खाना ही पड़ेगा ना, इसके बिना खाना कैसे गले से उतरेगा. तो ये सब है ना, मेरे सामने हस्बैंड वाइफ बैठे थे ना, तो उनके बीच में ये आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था कभी कभी. अभी शी बीइंग द ओनली फीमेल इन द हाउस, शी हैड टू लुक आफ्टर कुकिंग एंड अदर डेली चोर, बट द अदर थ्री मेल्स आर वेरी कोऑपरेटिव. तो उन लोग ने उसको बोला है कि आप सिर्फ वेजिटेबल्स कुछ भी बनाओ, और वो भी आपके टाइम पे बनाना, हम लोग बाहर से चपाती लेके आएंगे. तो दैट इज हाउ दे आर मैनेजिंग. तो द अदर थ्री मेल्स आर वेरी कोऑपरेटिव. आई नो हर हस्बैंड सिंस वेरी लॉन्ग. तो और फिर उसको पूछा कि आपके स्वभाव के बारे में बताइए. तो उसने बोला कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और छोटी छोटी बात पे आता है. कुछ भी किसी ने मेरा मन का नहीं किया तो गुस्सा आता है, और उसका रिएक्शन ना बहुत ही वायलेंट होता है. फिर वो बोली कि बचपन में ना तो मैं न्यूज़पेपर्स फाड़ देती थी, कपड़े भी, अरे कर्टन्स होते हैं ना, तो वो फाड़ देती थी. लाइक ना ये मैंने पहली बार सुना कोई पेशेंट के मुंह से कि कर्टन्स फाड़ देते हैं. फिर रिमोट कंट्रोल फेंक देने का, वॉचेस फेंक देने का. और उसके हस्बैंड का ना, उसने गोल्ड चेन भी एक बार तोड़ दिया. ही वॉज वेयरिंग इट एंड उसने खींचा ऐसे. तो हर ब्रदर हैड इंस्ट्रक्टेड हर नॉट टू टच हिज डेस्कटॉप. लाइक और वाइल डिस्क्राइबिंग ऑल दिस थिंग ना, लाइक यू नो देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस. ऐसा मैंने ना ऐसा ऐसा किया है, जैसे वो अपना कोई बड़ा अच्छा काम बताती है ना, पराक्रम बताती है ना, वैसे वो बोल रही थी. तो मुझे ऐसा लगा कि इसको कुछ गिल्ट फीलिंग कुछ है ही नहीं क्या, मतलब. और उसका ना बोलने का अंदाज ऐसा ही था, हाँ मैं क्या करूँ, उसने ऐसा किया तो फिर मुझे तो गुस्सा आया तो मैंने तो ऐसा किया ऐसे. तो अभी उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि जब भी वो एकदम ही गुस्सा होती है ना, और उसको जब भी अपने को लगेगा ना ये कुछ फेंकने वाली है, तो भी है ना उसका और उसके हस्बैंड का सेल फोन या रिस्ट वॉच बाजू बाजू में पड़ी है ना, तो वो बराबर देख के उसके हस्बैंड का ही रिस्ट वॉच या सेल फोन उठाएगी और वो ही फेंकेगी. उसकी जो चीजें है ना वो सब सलामत होती. एंड देर वॉज अ श्रूड स्माइल ऑन हर फेस वाइल सेइंग सो. एंड तो ऐसे ऐसे वो बता रही थी कि अरे देखना, लेकिन तू आपने भी ऐसा किया था ना उस दिन, तो फिर मुझे गुस्सा आएगा ही ना. एज इफ यू नो शी इज जस्टिफाइंग हर एंगर एंड हर एक्शंस. एंड देर वॉज नो फीलिंग ऑफ सॉरी और शेम अबाउट हर डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स. लाइक यू नो ये बात ना मुझे ये पेशेंट में बहुत ही पिक्यूलियर लगी पूरे केस में, कि ये इतना सारा डिस्ट्रक्टिव एक्शन कर रही है लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही है. हाँ उसमें क्या है, आपने ऐसा किया था तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना ऐसे. तो उसके हस्बैंड ने बोला कि इसको छोटी छोटी बातों पे सडनली एकदम एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आ जाता है. एंड देन ही नरेटेड 2-3 इंसिडेंसेस कि एक बार ना उसका हस्बैंड बाहर से आया और उसने बोला कि ये कपड़े गीले हैं, इसको सुखा दो बाहर. तो उसने बेचारे ने सुखा दिया. देखो हस्बैंड के लिए भी ना मुंह से बेचारा शब्द निकलता है, यू नो लाइक वो कंडीशन था. तो उसमें से ना एक कपड़ा कुछ उल्टा टांगा उसने, तो इसने नोटिस किया मैडम ने. तो बोला कि नहीं आप अभी क्या अभी इसको सीधा करो. तो उसने बोला कि देख अभी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे वो कंप्लीट करने दे फिर मैं कर लूंगा. तो उसको इतना गुस्सा आया, शी गॉट सो वाइल्ड कि उसने वो कपड़ा ना नीचे फेंक दिया बिल्डिंग कंपाउंड में. और फिर तो हस्बैंड को उठना ही पड़ा और नीचे जाके वो कपड़ा लेके आया. सो इट इज लाइक माई वे और हाई वे फॉर हर. शी इंसिस्ट द अदर थ्री पीपल इन द हाउस टू फॉलो हर इंस्ट्रक्शन. Her father was very strict and it was a conservative family, so she never wore jeans before her engagement. Rather, she was gifted one by her mother-in-law on her birthday. So, यहाँ का family इतना forward था. और वो है ना बम्बई का east वाले suburb में रहती है, अंबरनाथ में. तो उसने कभी भी ना west वाले suburb में कभी उसने she has never travelled before her marriage. So, this is very surprising. They never used to go to the hotel also, not even once a year. So imagine wo family ka kitna conservative line of thinking hoga. And I remembered at this moment that when she consulted me for PCOD 3 years back, so usko nahi aana tha mere paas, lekin uska husband jaise na leke aaya tha usko. To wo kya karti thi, husband ko bolti thi ki agar aapne aisa ke nahi kiya na to main ya homeopathy dawai nahi lungi. And you know she has couple of times, you know, she threw away the bottles. तो मुझे जब भी पता चला तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रही है, इतना तेरा अच्छा ट्रीटमेंट चालू है. फिर तो उसको गुस्सा आया, तो तभी से उसने मेरा दवाई बंद कर दिया. एंड देन अभी भी क्या, अभी नहीं पर उसको क्या है, शी इज द ओनली फीमेल, तो शी हैज टू अटेंड मेनी सोशल फंक्शंस. लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि हर हस्बैंड हैज टू अकंपनी हर एल्स शी विल नॉट गो. तो हर हबीज अंकल एंड हर फैमिली ऑल्सो लिव इन द सेम बिल्डिंग,
बट देयर ऑल्सो शी वोंट गो अलोन. और अगर उसको पता चला कि उसका हस्बैंड गया है अकेला वहां पे, तो शी विल इमीडिएटली कॉल हिम कि यू आप वापस आ जाओ. तो यू नो शी इज दैट डिमांडिंग एंड अ वेरी डोमिनेटिंग वाइफ. एंड ही इज अ वेरी, बट उसका हस्बैंड बहुत सोशल है एंड वेरी फ्रेंडली. तो बट आफ्टर द मैरिज नो हिज इंटरेक्शन विद हिज फ्रेंड्स हैव रिड्यूस्ड अ लॉट एज शी डजंट लाइक हिम मिंगलिंग विद हर ओल्ड फ्रेंड्स. एंड आई गेव हर अ मेडिसिन बट इट डिडंट वर्क. मैंने एक्चुअली ना यहाँ पे उसको लैकेसिस दिया था. और वो जब फर्स्ट टाइम आई थी ना पीसीओडी के लिए, तभी मैंने उसको नख फॉर्मिंग कर दिया, लेकिन ये लैकेसिस ने कुछ काम नहीं किया. तो फिर फोन आया कि वापस रात को अर्टिकेरिया बढ़ गया. तो देन आई सेड ओके आप यहाँ पे आके ना दूसरा दवाई लेके जाओ. तो लकीली उसका हस्बैंड अकेला आया. तो फिर मैंने, मुझे वापस इन्फॉर्मेशन मिला उससे कि पहले ना शी वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर, बट आफ्टर हिज डेथ 2 years बैक शी हैज बिकम टोटली बिंदास, फियरलेस, एज इफ नाउ नो वन कैन स्टॉप मी और नो वन कैन स्कोल्ड हर. सो हैज बिकम वेरी डोमिनेटिंग एंड शी फ्लैटली रिफ्यूजेस टू मेक आफ्टरनून टी फॉर हर फादर इन लॉ. जनरली बहू होती है घर में तो ससुर जी के लिए चाय बनाना तो बट नेचुरल को करेगी ना स्टॉप से, लेकिन ये मैम बोलती है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी. तो हर हबी मेक्स श्योर That wherever he is, he returns home at 4 PM और उसके पापा के लिए चाय बनाता है. और बाद में जो बर्तन होते हैं ना चाय के बर्तन, वो भी ये मैम साफ नहीं करती है, उसका हस्बैंड ही बेचारा कर लेता है. एंड दे कंप्लेंड अबाउट हर बिहेवियर टू हर मॉम, लेकिन उसकी मम्मी भी बोलती है कि भाई मेरी बेटी ऐसी ही है, शी इज ऑल्सो हेल्पलेस एंड शी कांट कन्विंस हर. सो नाउ 3 of them हैव गिवन अप ऑन हर एंड ही सेड कि 3 people इन द हाउस आर सफरिंग बिकॉज ऑफ हर. Her younger brother-in-law is now of a marriageable age, but he also refuses to see anyone. As please let them have another flat, wo log separate ho jaye, and then he will find a match. As it will be difficult for a new bride to stay with her. So this is a case. Abhi aap bataiye, aapko aapka kya hai opinion? मैम ये टैरेंटुला लग रही है, कनिंगनेस, मैनिपुलेटिव, डिस्ट्रक्टिव नेचर की. और क्या मैम, डिक्टेटोरियल तो है. एक मिनट मैम, पहले हम इनका क्लियर करते हैं. हाँ सर. हाँ तो मैम आपने बोला ना डिस्ट्रक्टिवनेस और ये तो सही कनिंगनेस है. हाँ. नहीं इसमें है ना मैनिपुलेटिव. क्या है मैनिपुलेटिव? मतलब जो अंदर से कुछ और है, मतलब एक्चुअल चीज कुछ और है और बताते कुछ और है. ये लेडी तो है ना सीधा है ना फ्लैटली रिफ्यूज करती है मैं चाय नहीं बनाऊं. लाइक जो भी है वो साफ साफ मुंह पे है. अब कनिंग ऐसे ले सकते अच्छा, हैं लेकिन हाँ जो चीजें वो फेंकती है ना मैम, तो वो हस्बैंड के ही फेंकती है ना, अपने खुद के नहीं फेंकती है. तो ये कनिंगनेस हो सकते हैं. तो हाँ वो कनिंग में हम ले सकते हैं. लेकिन उसका मैनिपुलेशन क्या है इसमें? वो तो जो भी है ना वो अंदर है वो बाहर है. सी मैनिपुलेशन में अंदर कुछ है बाहर कुछ और है. ये क्या है लेडी? इतना तो है कि जो अंदर है वो बाहर है. वो फ्लैटली ना बोल देती ना मैंने ये नहीं करने वाली, आप कुछ भी करो. ओके तो यह मैं ना मैनिपुलेशन नहीं है इसमें. ओके मैम. कैलेंडुला और देखेंगे हम लोग. लेकिन हाँ ये आपने ये रूब्रिक अच्छा पकड़ा है डिस्ट्रक्टिवनेस. तो डिक्टेटोरियल तो है ही मैम. हाँ डिक्टेटोरियल है. वेरी गुड. हाँ ओके. अच्छा इसमें मेरा एनालिसिस मैम इस तरह है. एक तो इसमें मुझे ये लगा कि मोरालिटी की कमी है, तो ये मैंने मॉरल फीलिंग वांट ऑफ लिया इसमें. इसमें एक और मुझे चीज़ नज़र आई कि ये जो है ना ये लेडी ये सेल्फिशनेस में बहुत ज़्यादा उस पर है. तो ऑब्स्टिनेट तो है ही बहुत ज़्यादा, ये ज़िद्दी है, बात मानती नहीं है. फिर कॉन्ट्रेरी मैंने लिया कि वो बात बात पे वो अपने हस्बैंड को जो है वो निगेट करती है उसमें. तो उस लिहाज से मुझे ये सारे रूब्रिक्स मिला के मुझे ये भी जो है ना लेडी ये मर्कसाली लगी है. ओके वेरी गुड. आपने ये मोरल सेंस ऑफ मोरल वांट ऑफ मोरल फीलिंग कैसे लिया? ये मैम जिस तरह ये पहले बताया ना कि उसने
इसके फादर इन लॉ ने कहा कि मुझे चाय बनाकर दो, तो ये इसने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं बनानी, तो ये इसमें जाहिर है मॉरल तो इसमें नहीं है फिर, मॉरलिटी उस लिहाज से मैंने ये लिया। और कॉन्ट्ररी कैसे है सर? कॉन्ट्ररी ये जी जी ये जो हर बात पे वो अपने हस्बैंड को जो है वो उसके जितने भी वो बात करता है उसका इनकार कर देती है कि ये मैंने नहीं करना इस तरह, तो वो मैं उस लिहाज से कॉन्ट्ररी लिया था। वैसे कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें जिस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन की कैन नॉट जी 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 ठीक है, अच्छा है आपका रुपए, लेकिन ये कॉन्ट्ररी है ना, मैं आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जी जी, विल आस्क द मेंटर कि ये कॉन्ट्ररी हो सकता है। अच्छा और कोई है? यस मैम। मैम इसमें जैसे बाद में पता चला ना कि उसके फादर का पहले बहुत ज्यादा डोमिनेशन था, जब तक थे तब तक मतलब ये काफी डोमिनेटेड रही, जो आपने बताया कि इतना कंजर्वेटिव फैमिली था कि मतलब ये ईस्ट में है तो वेस्ट साइड नहीं गई, तो मैंने एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन लिया था, एंगर, वायलेंट, डिस्ट्रक्टिवनेस, डिक्टेटोरियल, और मैंने लिबर्टिनिज्म लिया एक मैम रूब्रिक। मुझे लगा कि मतलब जैसे इसको एकदम से स्वतंत्रता चाहिए थी और वो मिल गई, पहले बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में रही और अब इसको हर चीज़ में फ्रीडम चाहिए था, अपने हिसाब से कर रही थी, मोरल फीलिंग वांट ऑफ लिया, और टॉर्मेंटिंग अदर्स लिया मैंने एक, क्योंकि इसकी वजह से जो फैमिली के 3 मेल पर्सन है वो टॉर्मेंटेड हो रहे हैं। तो मेरी ऐसे रूब्रिक वाइज से देखें तो स्ट्रमोनियम आ रही थी और वेरेट्रम, एनाकार्डियम, सीपिया ये सब आ रही थी, पर मैं मतलब किसी फाइनल उस पर नहीं पहुँच पाई क्योंकि आपने नक्स वोमिका को भी मना कर दिया और लैकेसिस को भी, वो दोनों भी थी। तो है ना मैम ये ना टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ आपने लिया ना, टॉर्मेंटिंग अदर्स, नहीं नहीं टॉर्मेंटेड अदर्स लिया है, टॉर्मेंटिंग अदर्स, हां हां नहीं नहीं मैम ये है एक्चुअली वो जानबूझ के किसी को टॉर्मेंट नहीं करती है, लेकिन उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि सब लोग टॉर्मेंटेड ही फील करते हैं। ओके और लिबर्टिनिज्म होगा कि नहीं मैम? हां लिबर्टिनिज्म हो सकता है ना, लिबर्टिनिज्म क्योंकि उसको ऐसा ही है ना, मतलब मुझे करना है, मतलब माय वे और हाई वे, उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, डोमिनेटिंग बोलते हैं, लिबर्टिनिज्म जनरली उसको बोलते हैं कि हम लोग जो अपनी इंडिपेंडेंस है उसका हम गलत फायदा उठाते हैं, लाइक विच इज मोरली रॉन्ग, ओके मैम, और विच इज नॉट जनरली डन बाय द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, जैसे लड़कियां स्मोकिंग चालू कर दिया है, मतलब तो ये अपना भी, और वो मोरली भी रॉन्ग है और जनरली नहीं करता है ना, तो उसको हम लिबर्टिनिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे ना ये मेडिसिन है वो लिबर्टिनिज्म रूब्रिक में है, लेकिन मैंने जो जो भी इंसिडेंट्स नैरेट किया है ना उसमें वो लिबर्टिनिज्म में नहीं है, तो उसमें से हम लिबर्टिनिज्म रूब्रिक नहीं निकाल सकते। ओके मैम ओके, बट आपका ये रूब्रिक काफी अच्छे निकाला है, सिर्फ रेमेडी है ना, आप स्ट्रेमोनियम बोल रहे हैं ना, तो स्ट्रेमोनियम हाँ। बंदा है ना इतना लंबा तक नहीं जाएगा कि इतना किसी को नहीं परेशान करेगा, वो खुद परेशान अंदर से डरा हुआ होता है ना, तो वो खुद एफेक्टेशन में होता अगर इतना करेगा, और उसका एफेक्टेशन तो जल्दी ब्रेक डाउन होता है, वो तो क्लिंगिंग में है स्ट्रेमोनियम। और वेरेट्रम में नहीं, वेरेट्रम भी देखो, वेरेट्रम भी है ना अल्टीमेटली हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर्स में है, यस मैम, तो ये उसके फादर इन लॉ है जो बड़ी है ना, या उसकी अंकल आंटी जो उसके बिल्डिंग में रहते हैं, या उसके हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं जो बाहर के लोग हैं ना, तो उनके सामने ना ये बच्ची, ये लेडी बहुत ही पॉलिश रही होगी। वेरेट्रम आल्ट ना कभी कभी हम लोग देखेंगे ना, अगर हम लोग बाहर के लोग हैं ना, तो वो लोग का बिहेवियर वेरी पॉलिश्ड होता है, मस्त होता है, अपने को लगेगा अरे इससे अच्छा बंदा होता ही नहीं है, लेकिन फिर जब ये नजदीक वाले लोगों को बताएंगे, पूछेंगे ना कि क्या है, तभी उसकी रियल उसका बुरी बाहर आता है, ई हार्ट फॉर इंटीरियर। तो ये बंदी तो है ना जो है वो अंकल के सामने भी नहीं, आप उसके घर पे गए ही क्यों, फ्रेंड्स के साथ भी आप बात ही क्यों करते हो, मतलब ओके मैम थैंक यू मैम। ओके तो आपको मैम ये प्रॉब्लम आएगा मैम एक केस में,
गिव योर प्रॉब्लम एक मिनट क्या कौन सा बचपन से ही है ये बचपन से ही तो है बिहेवियर प्रॉब्लम्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हाँ वो बचपन से ही डिस्ट्रक्टिव रही है ना बोला है ना इतने में पर्दे फाड़ती थी रिमोट तोड़े हैं उसने उसको इंस्ट्रक्शन था कि तेरे को मेरा डेस्कटॉप छूना भी नहीं है उसके भाई ने बोला था तो बचपन से ही वो डिस्ट्रक्टिव तो रही ही होगी लेकिन ना इसका मेन पहलू क्या था कि वो डिस्ट्रक्टिव थी भी ना लेकिन उसका हस्बैंड नरेट भी करता था ना तो इसका क्या था रवैया कि अरे मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी उसकी हर एक एक्शन क्योंकि आपने उस दिन ऐसा बोला था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ये है ना उस पूरे केस में मुझे बहुत ही पिक्यूलियर लगा कि अरे ये बंदी को कुछ गिल्ट नहीं है कुछ अशेम्ड फीलिंग नहीं है कि डॉक्टर के सामने मेरी इतनी बुराइयां हो रही है उल्टा शी देयर वाज अ स्माइल ऑन हर फेस एज इफ यू नो शी इज एंजॉयिंग तोड़ना फोड़ना सब कुछ आपने जब डिक्टेट किया तो उसमें मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन क्योंकि उसके फादर का आपने बताया और डिस्ट्रक्टिव तो है ये डिक्टेटोरियल भी है मैलिशियस है मैम इतना आप बोल रहे मतलब बोल रहा है हस्बैंड उसके बाद स्माइल दे रही है तो मैलिशियस एक्टिविटी है ये उसकी और कपड़े एकदम सीधा करो तो जिद्दीपना है इसके अंदर ऑब्स्टिनेसी दिखी और प्रोटेस्टिंग है कि नहीं करूंगी मैं चाय नहीं बनाऊंगी ये नहीं करूंगी लाइक दैट तो उसमें मैम मर्क ही आ रही है वेरी गुड तो मैंने है ना मॉक्सॉल प्रिस्क्राइब किया एक्चुअली पहले ना लैकेसिस डीडी मॉक्सॉल आता था लेकिन मॉक्सॉल है ना मुझे लगा कि ये कुछ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है ना तो इवन आई वाज अफ्रेड टू प्रिस्क्राइब मॉक्सॉल फॉर दिस प्रेशियस प्रेगनेंसी तो मैंने पहले लैकेसिस प्रिस्क्राइब किया लेकिन उसको ठीक नहीं हुआ और उसके हस्बैंड ने ये सब वर्जन बोला तो फिर मुझे बोला कि अभी तो ये मॉक्सॉल ही है तो आई स्टार्टेड विद 6 पोटेंसी फिर 30 पे गई फिर 200 पे गई एंड अल्टीमेटली शी रिस्पॉन्डेड टू 1 एम पोटेंसी And then I had to repeat it once in a month. और उसको before so the pregnancy went very well. Urticarial rashes ठीक हो गया within 1 month only they reduced quite a lot. And the pregnancy was also uneventful. And बीच में एक दो बार उसको सर्दी खांसी कुछ हुआ था तो नहीं लूज मोशन हुआ था शायद तो वो भी है ना मॉक्सॉल से ही रिस्पॉन्ड किया और अल्टीमेटली शी डिलीवर्ड अ फुल टर्म नॉर्मल हेल्दी गर्ल चाइल्ड तो दिस इज द केस ऑफ मॉक्सॉल तो दोनों मॉक्सॉल केसेस में हमने देखा ना कि देयर इज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस अगर हम लोग रेपर्टरी में भी देखेंगे ना मॉक्सॉल और उसके सब रूब्रिक देखेंगे ना तो मॉक्सॉल में ना एक ही पॉजिटिव रूब्रिक है और वो रूब्रिक है केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट ये एक में ही नहीं सॉरी इसमें भी नहीं है देखिए केयर्स फुल ऑफ अबाउट सॉरी केयर्स फुल ऑफ में भी नहीं सॉरी मैं पोस्ट करती हूँ कौन सा वो पॉजिटिव रूब्रिक है मतलब पूरे इसमें ना एक ही रूब्रिक है मॉक्सॉल का बाकी सब मॉक्सॉल के ना आप देखेंगे तो पूरा मॉक्सॉल ही जैसे ना डिस्ट्रक्शन से नेगेटिविटी से एंगर से इरिटेबिलिटी से ही भरा पड़ा है तो दैट इज फर्स्ट ट्रेट ऑफ मॉक्सॉल तो व्हेनेवर यू फाइंड एनी डिस्ट्रक्टिवनेस इन एनी केस एंड यू नो द पर्सन इज वेरी बोल्ड उसको किसी के भी शर्म नहीं होती है अभी एक्चुअली जो थर्ड केस मैंने नहीं दिया लेकिन उसका अगर मैं आपको जिस्ट बताऊं ना तो ये बंदा है करीबन 45 इयर्स का और उसका ऐसा था कि दे आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली मतलब फादर का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था तो ये बंदा ने ना ऐसा अपना लाइफ गुजर किया है कि उसकी वाइफ ने बोला वो लोग बम्बई में रहते हैं तो अगर उसको आइसक्रीम खाना है ना तो वो बंदा माथेरान जाता था सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए मतलब कार में निकल गया ही लाइक ट्रैवलिंग तो ये मॉक्सॉल का ये एक पहलू भी है कि ट्रैवलिंग डिजायर फॉर वांडर डिजायर और माथेरान गया वहां पे आइसक्रीम खाया और वहां से वापस आ गया कभी समझो उनको सैंडविच खाना है तो वो लोग है ना महाबलेश्वर जाते थे मतलब इतना ट्रैवल करना था लेकिन ऐसी छोटी छोटी गवर्नमेंट है छोटी छोटी बातों पे भी वो जाता था बिंदास हाँ और ये जो लेडी का भी बोला ना तो इतना प्रेशियस प्रेगनेंसी है और अर्टिकेरिया में अपने को पता है ना कितने सारे डायटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन है ना ये बंदी एक भी मानती नहीं है वो सब कुछ खाती थी ओके
तो ये वाला बंदा भी जो थर्ड केस में बता रही हूँ, तो उसको इतना ये खाना है तो उसको स्पेसिफिक जगह होती थी, यहाँ ही जाके खाना है उसका। तो यू नो इमेजिन कितना पैसा बर्बाद होता है ना। लेकिन इसको कहाँ कुछ पड़ी थी ना, फादर हैड लॉट ऑफ मनी, तो ही स्पेंड लाइक एनीथिंग, तो दिस इज अ प्रिविलेज पार्ट ऑफ मर्क्यूरी। एंड देन बिजनेस में ना उसके मामा के लड़के ने ही कुछ घोटाला किया, तो उसमें ना तो पूरा बिजनेस है ना उसके हाथ में चला गया। एंड लाइक दीज पीपल वर यू नो दे वर जस्ट केप्ट असाइड, सो दे केम यू नो इट वाज अ वेरी बिग डाउनफॉल फॉर देम। तो इसको उसके मामा के बेटे के लिए इतना एंगर आया कि इट इज लाइक यू नो इट इज इन द रूब्रिक हेट्रेड फॉर द पर्सन हु हैज ऑफेंडेड, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल। तो जब भी कहां पे भी उसका मामा का लड़का मिलता था ना, वो उसके पास में जाके बोलता था ए चोर। मतलब इमेजिन इन लोग का करेज या गट्स कितना होता है कि किसी के भी सामने जाके ना दे ए चोर। और व्हेन हिज फादर डाइड, फ्यूनरल में उसके मामा आए, तो देन ही मेड अ बिग हंगामा कि वो व्हाई इज ही हियर। ओके, सो दिस इज द हेट्रेड ऑफ मॉक्सॉल। एंड यू नो लाइक घर में ना कोई उसको स्टॉप नहीं कर सका कि आप ये मत करो। एंड देन हिज वाइफ स्टार्टेड अर्निंग, और ये हिज वाइफ यूज टू गिव हर मनी, तो इसको ना ही फेल्ट ही बिकेम सुसाइडल कि अरे यार ऐसा आया है दिन की मेरी वाइफ के मुझे मतलब यू नो इनका ईगो हर्ट होता है। तो देन ही सेड कि अभी मुझे मर जाना है। एंड हियर यू नो ही अटेम्प्टेड सुसाइड, और उसने उसकी बीवी को भी बोला चल हम लोग दोनों ना पॉइजन लेके खत्म हो जाते हैं। तो ये मेरा रिलेटिव का केस है इसलिए मुझे पता है, लेकिन मैंने बोला कि आप साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लो, बट देन ही वाज नॉट रेगुलर टू ही वाज नॉट विलिंग टू सी एनीबडी। तो फिर मैंने अल्टीमेटली आई हैड टू प्रिस्क्राइब, और फिर मैंने ये सब को लेके मॉक सॉल्व दिया। तो उसके बाद में उसका ये एंगर हाँ ये सुसाइडल जो अटेम्प्ट्स थे ना, ट्वाइस ही अटेम्प्टेड ऑल्सो, उसने बेगॉन स्प्रे वगैरह पिया था लेकिन लकीली ही सर्वाइव। तो ये सब बंद हो गया। एंड देन इतना उसके घर में से शोर आता था, इतना झगड़े की आवाज आती थी कि एक दो बार तो पुलिस नेबर्स लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया, लेकिन फिर पुलिस ने भी बोला कि अगर ये तो आपका अंदरूनी मामला है आप अपने आप सॉल्व करो करके वो लोग चले गए। तो एवर सिंस 4 ईयर्स हुए हैं मॉक कॉल देके, तो ये सब आवाजें अभी नहीं आती हैं। एंड नाउ ही हैज डाइवर्टेड हिज अटेंशन टू रनिंग, मतलब उसकी जो एनर्जी है तो ही रन्स अ लॉट, तो शायद दैट इज द आउटलेट ही इज फाइंडिंग टू चैनलाइज हिज डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। ओके, तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट मॉक कॉल। मेंटर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी। सेकंड केस में क्या क्या रूब्रिक है? इसमें ना मैंने यही सब रूब्रिक लिए थे। एक मिनट, इसमें मैंने क्या रूब्रिक लिए थे? इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है रिमोर्स, एक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है मॉक सॉल का। एक मिनट, रिमोर्स एक्सेसिव, हाँ उसको ना ऐसा लगा था, हाँ रिमोर्स एक्सेसिव, ये मैंने मेन रूब्रिक लिया था। द ओनली रेमेडी इज नकॉमी इज मॉक सॉल। तो ये बंदा क्या करता था, सुबह उठ के वो ऑफिस जाता था और फिर ना ऐसा ही बोलता था, अरे यार मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों मेरे धंधे पे ध्यान नहीं दिया, मैंने क्यों ऐसा किया। मतलब यू नो दिस वाज द फ्रीक्वेंट सेंटेंस ही यूज्ड टू स्पीक, मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो ये रिमोर्स एक्सेसिव, वैसे मैंने मॉक सॉल दिया था। और ये उसका दूसरा डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी और गवर्नमेंट फ्रिविलस, कौन जाएगा ना आइसक्रीम के लिए माथेरान, और ये सब too much, no? Too much of a lavish life and traveling desire for, और उसने भी ऐसा ही किया था। हाँ उसने खाना पीना छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था उसने, for 1 month he was only on liquid, मतलब liquid भी है ना, सब लोग उसको फोर्स करते थे भाई तू पी ले। तो ये सब करके मॉक सॉल दिया था। एंड नाउ उसका ये सब टेंडेंसी चला गया एंड ही हैज चैनलाइज्ड, अभी भी उसका बिजनेस तो इतना सेटल नहीं हुआ है, बट हाँ ही हैज चैनलाइज्ड हिज डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज। तो एटलीस्ट वो जो सब जो नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न था ना वो नहीं। प्लैटिना और ट्यूबरकुलिनम से कैसे डीडे करेंगे? हाँ देखो सर, प्लैटिना है ना इतना डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में नहीं आएगा, उल्टा प्लैटिना है ना वो आइडियलिस्टिक बंदा भी होता है। प्लैटिना का जो एक मेन रूब्रिक है ना, हम लोग प्लैटिना को ईगो तरीके से लेते हैं, लेकिन प्लेटिना में ना ये आइडियलिज्म भी ना
भर भर के पड़ा रहता है. तो ये डिस्ट्रक्टिव जो टेंडेंसीज है ना, जो फर्स्ट केस है वो तो डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर में से ही क्रैक हुआ था मतलब, तो ये है ना प्लेटिना में नहीं आएगा. ये आइडियलिस्टिक ये ट्रेड तो है ही नहीं प्लेटिना का. और प्लेटिना है ना एक प्रकार का एलिगेंस भी होगा. प्लेटिना ऐसा नहीं करेगा कि इतना फाइट होता है कि यू नो ही बिकम्स लाइक घर में तमाशा बन जाता है ना पूरा बिल्डिंग में उन लोगों का. तो आजू बाजू वाले लोग लेके आते हैं ना, पुलिस को बुलाते हैं. तो प्लेटिना ना अपने आप को ऐसा खराब पोर्ट्रे नहीं करेगा दूसरों के सामने. ट्यूबरकुलिनम में, हाँ, और ट्यूबरकुलिनम में भी है ना ऐसा है. लेकिन ट्यूबरकुलिनम में की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी है एंड दे वॉन्ट चेंज. ओके. और एक्चुअली एक फोर्थ केस भी था, मैंने नहीं किया, लेकिन ये मॉक्सॉल है ना वो डॉगमेटिक रूब्रिक में भी है. तो डॉगमेटिक देखा जाए ना, तो डॉगमेटिक मतलब हम लोग किससे बोलते हैं कि जो लोग अपनी पुरानी परंपरा को चलाते रहते हैं ना, हम लोग उनको डॉगमेटिक बोलते हैं. ठीक है, तो ये मॉर्क डॉगमेटिक में है. और ये ट्यूबरकुलिनम है दैट नीड्स चेंज इन लाइफ. तो ये कोई भी केसेस में ना डिजायर फॉर चेंज नहीं था. और मैंने जैसे बोला है ना कि ट्यूबरकुलिनम बंदा अपने क्लिनिक में आता है ना, तो हमारा पहला ध्यान तो होता है कि अरे इससे यार मैं मेरे लैपटॉप कैसे बचाऊं, क्योंकि है ना वो आके बिंदास सब जगह को जैसे उसकी प्रॉपर्टी है ना वैसे छूने लगता है. लैपटॉप को भी आएगा ना, कोई भी बटन आके दबा लेगा. तो वो जो फर्स्ट वाला भी मॉक्सॉल था ना, वो आके ही वॉज रेस्टलेस, लेकिन उसका क्या था यहाँ से जंप मारो उधर. लेकिन वहां पे फिर वो केयर नहीं करता था, उसको लगा ना लगा इट्स ओके, लेकिन उसको वो करना है. तो इसलिए ट्यूबरकुलिनम वो हिसाब से डिफरेंशिएट. थैंक यू, थैंक यू. ओके सर, तो टेक अवे मैसेज इज दैट कि आप कोई भी केस में ना इतना डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन देखो, इतना वायलेंस देखो, इतना एंगर देखो कि दे कांट बी स्टॉप बाय एनीबॉडी. देन इतना डिफायंस देखो कि डिफायंस मतलब अथॉरिटी के सामने भी वो लोग लड़ जाएंगे. जैसे वो थर्ड वाला बंदा है, वो भरी सब फंक्शन में ना सब लोग हैं और वो उसको जाके बोलता है चोर. मतलब इतना करेज देखो आप. तो थिंक ऑफ मॉक्सॉल, तब खुल्लम खुल्ला विरोध करना. हाँ, खुल्लम खुल्ला विरोध. मैम इसके लिए एनार्किस्ट रूब्रिक दिया हुआ है ना, एनार्किस्ट होता है मॉक्सॉल. हाँ, एनार्किस्ट होता है ये. एनार्किस्ट रिवॉल्यूशनरी एनार्किस्ट. यस, होमोसाइडल और सुसाइडल भी होता है. हाँ, सुसाइडल, यस. और जैसे शंकरन सर ने सद्दाम हुसैन का एक जगह रिव्यू दिया है सोल ऑफ द रेमेडी में. जी मैडम. ओके, यस, थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया बताया आपने यार. थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ओह, माय प्लेजर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल. थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन. केसेस बहुत अच्छे थे. दो माई मेडिसिन गॉन इन दिस रॉन्ग ट्रैक, एगेरिकस मैंने सेलेक्ट किया, बट डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छे केसेस थे. आई विल गो थ्रू वन मोर टाइम. थैंक यू मैम. मैम आपने सेकेंड केस में डोजेज कौन सा दिया था पेशेंट को? क्या दिया था सेकेंड केस में? पोटेंसी मैम, पोटेंसी. पोटेंसी ना मैंने 6 पे चालू किया था, क्योंकि प्रेगनेंसी का था ना, मुझे भी डर लगता था. तो 6 दिया, फिर काम नहीं किया तो 30 स्टेप अप किया, फिर 200, फिर अल्टीमेटली 1 एम से उसको आ रहा. थैंक यू. ओके सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. सर, आई रिक्वेस्ट माय मेंटर्स टू काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन. जी मैम, रिपीट कीजिए प्लीज, क्या बोला आपने? सर, दैट्स ऑल आई नो अबाउट मर्क्यूरी. आई हैव शेयर्ड व्हाटएवर आई वांटेड टू. सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे या ये केस में कुछ? जी मैम, मनोज सर आप कुछ ऐड कर रहे हैं? मैं भी करना चाह रहा हूँ सर. अभी अभी कहा वो सर, अभी शुरुआत नहीं हुई गन्ने की, अभी वो त्योहार नहीं हुआ, उसके पहले हमने
आप डिफेंड कर दीजिए सर, चालू हो गया आप डिफेंड में आ गए सर। बहुत अच्छा था नहीं, बहुत अच्छा केस था। और एगारिका डॉक्टर मोहम्मद ने बताया था ना? यस सर, एगारिका था आपने? नहीं, एगारिका आपने इस केस में मार्क्सपॉल के साथ एगारिका बहुत क्लोज जाता है, तो मैं ये बहुत अच्छा थिंकिंग दैट सर, मुझे ऐसा लगा कि वो टॉर्मेंटिंग थ्रू एंड थ्रू जा सकते थे। हाँ, एक तो ट्यूबरकुलिनम, एगारिकस एंड मार्सल, तीनों के सेड आ रहे थे। तो आपने एगारिकस क्यों सोचा, जरा बताइए। सर मुझे लगा कि ये तो टॉर्मेंट कर रहा है ना, बच्चा भी हो या फिर वो जो प्रेग्नेंट लेडी भी थी, को जिस तरह से वो हस्बैंड को मतलब वो कपड़े सुखाने के लिए जब है खड़ी थी तो वो टाइम पर भी जो है उसने कपड़ा फेंक दिया, और ये बच्चा भी जिस तरह से जंपिंग फ्रॉम टेबल टू चेयर एंड ऑल, वो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर मुझे ऐसा लगा, डिस्ट्रक्टिवनेस, ये थोड़ा सा वो टॉर्मेंटेड मतलब टॉर्मेंटिंग मदर एंड डिस्ट्रक्टिव बच्चों, टॉर्मेंटिंग अदर्स, हाँ वो सोचकर मेरे को लगा क्या कैरेक्टर हो सकता है ये। टॉर्मेंटिंग कैसे लेते हैं आप? टॉर्मेंटिंग अदर्स में सर मर्क्यूरी भी है, इनफैक्ट डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज है क्या? अच्छा सॉरी सॉरी आई एम मिस्टेक। टॉर्मेंटिंग अदर मैं कैसे लेती हूँ तो सर, जैसे कि बच्चे अभी वो मम्मी को थ्रेटन करते रहते ना, थ्रेटन करते रहते अभी देखो गिराओ, यानी तो फिर आके है ना बार बार है ना पोक करेंगे, सताएंगे छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे कि वो माँ खुद बोलेगी कि ये इतना तंग करके रखता है कि मैं वो हो जाती हूँ, मतलब एकदम टॉर्मेंट कर देता है मेरे को ये, वो समय उससे बढ़ जाता है। बच्चे के लिए क्या है वो टॉर्मेंट करना, बच्चे के लिए क्या है इसका? प्लेफुलनेस है ना, प्लेफुलनेस है ना जी। बच्चे वो अपना खेल से, उसके लिए वो खेलने का साधन है, ठीक है, आपके लिए टॉर्मेंटेड हो रही है आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन टॉर्मेंट करना जो है टॉर्मेंटिंग अदर है। मैं दो बातें होती हैं, कई बार अनजाने में भी होता है, कई बार जानबूझकर भी होता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अनजाने में जो होता है वो होता है कि पेशेंट जब बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है, when he is in much agony, वहां पर डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर गायब रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो आपसे गड़बड़ी कभी नहीं होगी, गलती नहीं होगी कि किसमें जाना है ना। तो जब वो फ्राइटेंड होता है ना तो बार बार आपको तंग करेगा, बार बार फोन करेगा, डॉक्टर्स का बैंड बजा के रख देगा, क्लियर? यस सर। तो जब एगारी को उसको लगता है ना कि छोटी सी चीज भी बहुत भयानक लगती है, अब देखिएगा गाड़ी कस्टमर जब भी जब प्रॉब्लम में आता है ना तो छोटी छोटी चीज से भी ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हमारे पास रूब्रिक है ना, स्मॉल दो रूब्रिक है, टी स्पून सिम्स, अ लेक ऑफ वाटर एंड स्मॉल, ऐसे क्या है एग्जैक्ट रूब्रिक किसी को पता है? डिल्यूजन स्पूनफुल वाटर लाइक ए लैक है सर, और डिल्यूजन स्मॉल होल, एक है डिल्यूजन स्मॉल होल लाइक ए चाजम, चाजम यस, ठीक है। तो ये उसकी फीलिंग होती है ना। तो देखिए ये डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में भी शायद एगारी का सोनी चाहिए, यस सर है ना। और ये डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में जब रहता है तो ये फ्रीबुलस रहता है, इसको बोलते रहे उसको पता ही नहीं पड़ता कि यार इतनी बड़ी बीमारी मेरे पास है, बहे उसको मालूम भी बीमारी बड़ी है, लेकिन इसके बाद भी कूल एंड काम हो जाएगा ना, है ना, खा लो ना, थोड़ा सा दारू ही पी लिया यार, हो गया क्या है, इतना कुछ थोड़ी है, इतना सारा दवाई थोड़ी खाएंगे। वो वैसे स्टेट में भी रहता है जहां पर आपको एक फ्रिवोलस जो है ना ये फील होगा, लेकिन शायद बूस्टर भी होता है सर, नहीं है बोस्टर भी होता है सर, सिटी जी
बहुत कुछ मिलेंगे इसके एगारिकस में, बहादुरी दिखाने के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, और ठीक उसका अपोजिट रूब्रिक्स भी है जिसमें लगे कि यार इतना बंदा छोटी सी प्रॉब्लम से इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, तो जो उसकी बहादुरी देखा है ना वो तो ऐसे ही बोल देगा कि यार क्या बहुत पहलवान बने फिर तो, क्या हो गया अब इतना क्यों गला पकड़ रहे हो। तो ये क्लिंगिंग करके ग्रैप्स करने की कोशिश करता है। ग्रैप से मतलब क्या है कि आप भागो मत, वो डॉक्टर को चिपक जाएगा, डॉक्टर भगाना भी चाहेगा तो छोड़ेगा नहीं, नहीं जी आपको करना पड़ेगा ना, आपकी दवाई से थोड़ा आराम तो हुआ, आप दवाई देके देखो ना, आप करो नहीं नहीं हम और किसी के पास नहीं जाएंगे, आपने जानना ही नहीं हमको, स्पेशलिस्ट नहीं जाना, बस हम तो आपको ही पहचानते हैं जी, है ना। और दिन में कम से कम अच्छा ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, इतना क्यों हो रहा है। तो हमें बहुत बार ना डिलीरियम लाइट डिजायर की फील देता है इसके इसकी जो बात करने का तरीका है या बार बार पूछने का तरीका है, और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कैल्केरिया के साथ में। लेकिन कैल्केरिया यूजुअली क्राइंग में नहीं जाता है, ये क्राइंग तक चला जाएगा प्रोबेबली, आई डोंट नो उसमें। डिलीरियम क्राइंग देखिए तो रूब्रिक, उसमें कैल्केरिया तो नहीं है ना, शायद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोगों को थोड़ा सा एगारिकस में देखनी पड़ेंगी कि एगारिकस बहुत बार शेड देता है कई तरह के इस तरह के, लेकिन एगारिकस जो अलग होता है ना उसका, इस केस में एंगर, तीनों केसेस में जो थे एंगर पार्ट बहुत ज्यादा था। एंगर एगारिकस में भी है, इसको भी गुस्सा आता है यदि इसके हिसाब से काम ना हो, है ना। तो डिलीरियम क्राइम थोड़ा समझिए ना, गरम हो जाता है डिलीरियम क्राइम भी, या क्राइम में करके तो नहीं है, लेकिन आप बताए कि मर्क्यूरी भी है और एगारिकस भी है, तो वो कैसे लेंगे डिलीरियम क्राइम। जैसे अब इतनी बड़ी जब बीमारी हो गई ना तो उस समय क्या घबराहट होती है, और उसके बाद जैसे अब नहीं ठीक हो रहा है तो लगता है रोना भी आ जाता है, डॉक्टर साहब अब बताइए हम कैसे करेंगे, उसके आंसू चालू हो जाते हैं गाड़ी कस के। ये बहुत अलग सेड है, मेरे भी दो केसेस हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए आपके सामने। अच्छे से इसमें तो बहुत मिरेकल फायदा हुआ, एक केस में 15 दिनों के अंदर हीमोग्लोबिन 6 से 12 पहुंच गया, लिवर सिरोसिस का एडवांस केस है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट बता रखा डॉक्टर ने। मनोज सर एक क्वेश्चन था, ये अभी जो केस अभी मैम ने ये सेकंड केस लिया था उसमें मैंने एक रूब्रिक डाला था मर्कसॉल का कॉन्ट्रेरी, क्योंकि उसमें वो बार बार अपने आप लोगों के जिससे भी दूसरे के अगेंस्ट जाना है, और मॉरल फिलिंग वांट ऑफ जो आपने लिया था वो बहुत जगह मॉरल नहीं है उसका, मैंने वांट ऑफ मॉरल से वो भरपूर है। अरे पति झाड़ू लगाएगा यार, पति बाहर से आके कर रहा है, थोड़ा सा मॉरल सेंस नहीं है। अरे है ये तो मॉरल, आपको बहू होने की जरूरत नहीं है, मॉरल भी अच्छा कर देना चाहिए, बट शी इज नॉट डूइंग एट ऑल। तो उसको कहीं भी कोई न शर्म है, एक तो सेमलेस वाली कंडीशन है, आई डोंट नो वेदर सेमलेस में है कि नहीं मार्क्सॉल, यदि सेमलेस वाली कंडीशन है तो ये इसको और कंफर्म करती है इस रूब्रिक को, ठीक है। तो क्योंकि एकदम सेमलेस ने क्या क्या मतलब है, इस तरह से कोई करता है क्या, इस चीज को मैंने ड्यूटी नो सेंस ऑफ ड्यूटी लिया था, ये ठीक बराबर है। हाँ ड्यूटी नो सेंस ऑफ ड्यूटी है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा मार्क पर है। चलो मार्क ग्रुप की रेमेडी है ना, तो मार्क आता है इसमें, हाँ मार्क ग्रुप की रेमेडी है, तो ये सेमलेस नहीं है, मार्क और है सेमलेस में, ठीक है। हाँ तो उसकी कंपोनेंट है ना, तो उसकी एक फील है, कंपोनेंट वाले जितने भी हो, जैसे वो नहीं भी हो तो कई बार फील आती है ना कि हाँ ये रिमेडी में, वो रिमेडी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है उस रिमेडी की दूसरी कंपोनेंट पड़ी हुई है, तो कई बार आप दे सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि नहीं वो मेडिसिन तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ काली ग्रुप की रिमेडी है, काली फॉस ना सही बाकी रिमेडीज है, मुझे बाकी रिब्रिक काली फॉस को कंफर्म करती है, तो कई बार मैंने देखा अच्छा फायदा, क्योंकि ये भी रिपर्टरी जो है वो एनरिचिंग है, आज नहीं है कल हो सकता है डल जाए, तो रिपर्टरी को हमेशा, ये एक हमारे लिए एक टूल है, इट इज नॉट द अल्टीमेट, ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसलिए हमें मेडिसिन के फील्ड को पकड़ना भी जरूरी है, तो कैसे अलग हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ मार्कसॉल
को हम लोग जो है ना एगारिका से कहाँ डिफर करता है, तो क्लियर हो गया। एगारिकस जो है मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रक्टिवनेस में देखे तो एगारिकस है क्या? है सर। है ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा बोल्ड होके किसी को डिफाई करना ये एगारिकस नहीं करता है। डिफाइंड एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं अंदाज से सब बोल रहा हूँ। एगारिकस नहीं है डिफाइंड में। हाँ, डिफाइंड में नहीं है। ये जो करना ना किसी अथॉरिटी को चैलेंज करना, हस्बैंड इज अथॉरिटी, मदर इन लॉ इज एन अथॉरिटी एंड फादर इन लॉ इज अ ग्रेट अथॉरिटी, उसको एकदम साफ मुंह पे ना बोल देना ना, दिस इज डिफाइंड नेचर। तो यहां पर जो है एगारिकस डिफाई नहीं करता है, और बल्कि वो डर जाता है। वो टॉर्मेंट तब करता है जब खुद डरा हुआ रहता है, और मार्शल टॉर्मेंट तब करता है जब वो एकदम उसका खून गर्म रहता है, गुस्से में होता है ना। तो दोनों के टॉर्मेंट में यहां डिफर कर जाएगा। यहां से यदि डॉक्टर मोहम्मद आपने सोचा होता तो यहां से आप एगारिकस से बाहर निकल गई होती, लेकिन एगारिकस आपके दिमाग में आया। yes, इसके लिए मैं हैट्स ऑफ यू, बहुत बढ़िया आपने सोचा, सोचा सही, ठीक है, गलत हो सकती है ऑलरेडी, लेकिन ये सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है एगारिकस तक पहुंचना इस केस में। सो वेरी नाइस केस। एगारिकस नहीं है प्रोटेस्टिंग में भी। हाँ, प्रोटेस्टिंग में नहीं, उसको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, डिफाइंड होना प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एगारिकस अपने से डरता है या अपने से फ्रिवोलस होता है, वो अपने आप में डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में भी है, उसको बीमारी है पता चला है, जैसे लिवर सिरोसिस में मालूम है अरे क्या है, थोड़ा सा तो खा ले, थोड़ा सा दवाई दो ना, वो गुस्सा हो जाता है जब उसकी बीवी मना करती है, तो सिगरेट पी लेता है, बोलने के बाद भी पी लेता है, जबकि डॉक्टर ने बोल रखा है कंडीशन बहुत सीरियस है, हीमोग्लोबिन 6 पे पहुंच गया है, इवन उसको होश नहीं है। मैं कितनी बार बोला थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा हाथ पांव हिला लो, मस्त पड़ा रहता है आलसी की तरह, और उसको सल्फर कई बार दिया था, उसको सल्फर से काम नहीं होता था। मुझे भी लगता था यार कौन सी रेमेडी होती है, एक दिन बैठा आराम से, नहीं आज इसको निकालेंगे इसकी रेमेडी, तो उसकी रेमेडी एगारिकस आई। तो मैंने 0/1 पोटेंसी में दिया, क्योंकि कंडीशन पैथोलॉजी भी बहुत डेंजर कंडीशन में थी, एंड इट वर्क्ड मिरेकुलसली। और अभी जैसे वो थोड़ा थोड़ा, उतना आलसी तो नहीं गया है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसका आलसीपन कम हो गया है, थोड़ा सा सीरियस होने लगा है, ये सारी चीजें आ रही है, इसके बिहेव में चेंज आ रहा है, ठीक है। और एक और केस चल रहा है, उसका भी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत ऐसे फिलहाल तो जब दवाई खाता है उसको रिपीट करना पड़ रहा है, कई बार रिपीटेशन भी जरूरी होता है। वी कैन नॉट स्टैंड कि सिंगल मेडिसिन और एक बार सिंगल डोज दे दिया, सिंगल डोज के पैमाने भी अलग अलग होते हैं अलग अलग केस की तरह, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाय द वे बहुत अच्छा केस था। प्रवीण दा आप कुछ बोलेंगे? जी सर। नहीं नहीं सर, फिर कभी डिस्कस करते हैं। ट्यूबरकुलिनम है, एगारिकस है, मर्कसोल है, ये सारी रेमेडी बहुत पास पास चलती हैं, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा बीसी, सवा घंटा का ऑलरेडी हो चुका, तो बहुत ही क्या केस थे मैम मर्कसोल के, और आपका बीसी पहला बीसी था हमारी फैमिली में, बहुत ही शानदार रहा है और बहुत ही यादगार रहा है और बहुत ही फ्रूटफुल भी रहा है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे IHF फैमिली मेंबर्स को उनको लेके और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इस ग्रुप में डालिए, हम सभी उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर MB महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आसमा समधानी मैम, और वी आर रियली ग्रेटफुल टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर जागृति के जानी मैम, उन्होंने इतना टाइम निकाला, इतने लेंथी केसेस थे, उनको प्रिपेयर किया। सर आई एंजॉयड, सर आई एंजॉयड गिविंग द वीकली एंड थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत बहुत सीखने को मिला सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। सर आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर जायसवाल आल्सो कि उन्होंने एगारिकस और मर्कसोल का डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता था, बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू जी 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 मैम, थैंक यू सो मच मैम।
आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही आप केसेस प्रेजेंट करते रहेंगे और हमारी IHF फैमिली को सीखने का मौका मिलता रहेगा. तो वंस अगेन ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू सो मच. और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ने केस को क्रैक किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार. तो आज की VC को हम यहीं पर विराम देते हैं, तो नेक्स्ट VC में आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच सर जी. प्रणाम सर. थैंक यू सर. थैंक यू मनोज सर. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.